राजगृही नगरी। भगवती सूत्र के पांचवें शतक के नवे उदेशक में इसका वर्णन आता है। किमियं रायगिहं तिय उंजोय अंगयार समएय पासंति वासि पुच्छारा इंदिय देव लोगाय। ओह भगवन, राजगृह नगर किसको कहना चाहिए? हे गौतम, राजगृह नगर में पृथ्वी आदि सचित अचित मिश्रित द्रव्य है। जीव अजीव त्रस्थावर जितनी वस्तुएं हैं उनको राजगृह नगर कहना चाहिए। पुनः गौतम स्वामी ने पूछा, अहो भगवान, क्या दिन में उद्योत यानी प्रकाश और रात्रि में अंधकार होता है? भगवान फरमाते, हाँ गौतम होता है। अहो भगवान, इसका क्या कारण है? हे गौतम, दिन के शुभ पुद्गल है वे शुभ पुद्गल पने परिणमते हैं, इसलिए दिन में उद्योत होता है। रात्रि के पुद्गल अशुभ है वे अशुभ पुद्गल पने परिणमते हैं, इसलिए रात्रि में अंधकार होता है। दंडक के जीवा आश्री नरक गति पांच स्थावर बेंद्रिय तेंद्रिय इन आठ दंडक के जीवों के अशुभ पुद्गल है, अशुभ पुद्गल पने परिणमते हैं, इसलिए अंधकार है। देवता के तेरह दंडक में शुभ पुद्गल है वे शुभ पुद्गल पने परिणमते हैं, इसलिए उद्योत है। शौरेन्द्रिय तिर्यंच पंचेन्द्रिय और मनुष्य इन तीन दंडकों में शुभाशुभ पुद्गल है वे शुभाशुभ पुद्गल पने परिणमते हैं, इसलिए उद्योत और अंधकार दोनों ही है। अहो भगवान, क्या जीव समय अवलिका यावत उत्सर्पिनी अवसर्पिनी को जानते है? हे गौतम, तेईस दंडक यानी मनुष्य का एक दंडक छोड़कर बाकी के जो तेईस दंडक है वे जीव अपने अपने स्थान पर रहे हुए समय अवलिका यावत उत्सर्पिनी अवसर्पिनी को नहीं जानते हैं, क्योंकि समय आदि का मान प्रमाण मनुष्य लोक में ही है। मनुष्य लोक में रहा हुआ मनुष्य समय अवलिका यावत उत्सर्पिनी अवसर्पिनी काल को जानता है, क्योंकि काल का मान प्रमाण सूर्य का उदय अस्त दिन रात मनुष्य क्षेत्र में ही है। तेईसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के शिष्य स्थविर मुनियों ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास आकर इस प्रकार पूछा कि अहो भगवान, क्या असंख्याता लोक में अनंता रात्रि दिवस उत्पन्न हुए उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होवेंगे, नष्ट हुए नष्ट होते हैं और नष्ट होवेंगे, परित्ता यानी निश्चित परिमाण वाला रात्रि दिवस उत्पन्न हुए उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होवेंगे, नष्ट हुए नष्ट होते हैं और क्या नष्ट होवेंगे? भगवान ने जवाब दिया, हाँ आर्यो, उत्पन्न हुए यावत नष्ट होवेंगे। ओ भगवान, इसका क्या कारण है? हे आर्यो, पुरुषादानीय पुरुषों में माननीय पार्श्वनाथ अरिहंत ने लोक को शाश्वत अनादि अनंत कहा है। यह लोक नीचे चौड़ा बीच में संकड़ा और ऊपर विशाल है, असंख्य योजन का लंबा चौड़ा है, अलोक से आवृत्त यानी घिरा हुआ है। ऐसे सर्वलोक में अनंता यानी साधारण परित्ता प्रत्येक जीवों ने जन्म मरण किए हैं, करते हैं करेंगे, उन जीवों की अपेक्षा असंख्याता लोक में अनंता परित्ता रात्रि दिवस उत्पन्न हुए यावत विनष्ट होवेंगे। जहाँ तक जीव पुद्गलों की गति यानी गमन है वहाँ तक लोक है, और जहाँ तक लोक है वहाँ तक जीव पुद्गलों की गति यानी गमन होती है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के ये वचन सुनकर उन स्थविर मुनियों ने भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करके चार याम यानी चार महाव्रत धर्म से पांच याम पांच महाव्रत रूप धर्म प्रतिक्रमण सहित अंगीकार किया। अर्थात कहा जाता है कि सपरिकमनो धम्मो पुरिमस्य पश्चिमस्याजिनस्स मज्जिमगानं जिनानं कारण जाए परिकमनम्। अर्थात प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं को प्रतिदिन सुबह शाम दोनों वक्त और पाक्षिक चौमासिक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना जरूरी आवश्यक है। बीच के 22 तीर्थंकरों के साधु दोष लगने पर प्रतिक्रमण करते हैं, उन्हें प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उड़ती चौमासी और संवत्सरी का प्रतिक्रमण करना जरूरी है। तो इस तरह से उन्होंने पांच महाव्रत रूप धर्म सब प्रतिक्रमण यानी प्रतिक्रमण सहित अंगीकार किया। तब संयम से आत्मा को भाते हुए विचरने लगे, उन स्थविर मुनियों में से कितने एक मोक्ष में गए और कितने एक देवलोक में गए।
श्री गौतम स्वामी ने पूछा, अहो भगवान, देवलोक कितने प्रकार के हैं? हे गौतम, देवलोक चार प्रकार के हैं, भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनपति 10 प्रकार के हैं, वानवंतर 8 प्रकार के, ज्योतिषी 5 प्रकार के और वैमानिक 2 प्रकार के हैं। सेवम भन्ते गौतम बोले सही, वीरजीरा वचना में संदेह रखनो नहीं। जय आनंद।